अमरकंटक में 27 फरवरी से 5 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने आयोजन से संबंधित बैठक की। पवित्र नगरी अमरकंटक में 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व के परिप्रेक्ष्य में 27 फरवरी से 3 मार्च तक 5 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला आयोजित किया जाएगा। अमरकंटक में वर्षों से परंपरागत रूप से महाशिवरात्रि पर्व संपूर्ण भव्यता के साथ आयोजित किया जाता रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष पुनः मेला का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, SDM पुष्पराजगढ़, तहसीलदार जनपद पुष्पराजगढ़ के CEO, CMO अमरकंटक चैन सिंह परस्ते सहित कई अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित मेले में मेला ग्राउंड की व्यवस्था, कंट्रोल रूम की स्थापना, कार्यपालन दंडाधिकारियों की ड्यूटी, कानून व्यवस्था, पार्किंग, यात्री कर और पार्किंग कर, सफाई व्यवस्था, प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य पेयजल, अलाव, मूत्रालय एवं शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, प्रदूषण नियंत्रण, फायर ब्रिगेड की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा कर बिंदुवार जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीणा ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रण के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले के लिए विद्युत, कानून व्यवस्था, पेयजल, स्वास्थ्य व्यवस्था व अन्य आवश्यक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्थानीय कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी 5 दिवसीय मेले के दौरान सुनिश्चित की जाएं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में पॉलिथीन का उपयोग न हो, यह भी अधिकारी सुनिश्चित करें कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से संबंधित साइन बोर्ड लगाए जाएं। मेले में विभागीय प्रदर्शनियों के साथ ही आजीविका मिशन से जुड़े स्व सहायता समूह के स्थानीय उत्पाद तथा एक जिला एक उत्पाद के प्रोडक्ट को भी बिक्री हेतु प्रदर्शित किया जाएगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल ने श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रण के लिए नर्मदा नदी पर बने सरोवर में बैरिकेडिंग सुनिश्चित करने तथा यात्रियों के वाहन पार्किंग तथा मार्ग डायवर्जन के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीणा ने मेला व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी पुष्पराजगढ़ अभिषेक चौधरी को, मेला अधिकारी तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमरकंटक चैन सिंह परस्ते को सहायक मेला अधिकारी नियुक्त किया है। मेले की संपूर्ण व्यवस्था में समन्वय एवं पर्यवेक्षण की संपूर्ण जिम्मेवारी पर कलेक्टर अनूपपुर को सौंपी गई है।